नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में उत्तराखंड में अनेक प्रकार के विधियां तथा साधन प्रचलित थे जिनसे मापतोल किया जाता था, जिनमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी प्रयुक्त होते हैं, अब भी उनका यूज किया जाता है। उन सभी के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला, और आपने इन सभी मापतोलों के बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा। थोड़ा विस्तार से आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ सकें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मापतोल के कई साधन प्रचलित हैं, जिनमें से नाली, बीसी, साड़ा, तामी, कूड़ी, दौण, खारी और बकासी आदि प्रमुख हैं। ये साधन जो थे लकड़ियाँ, तांबा, लोहा, पीतल आदि इन चीज़ों से बने होते थे, जिसके बारे में आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। कुछ पुराने जो मापतोल के साधन हैं वह भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आप सभी को। और इनके बारे में जो बीसी है इसकी मात्रा कितनी होती है वह आप स्क्रीन पे और पूरी वीडियो पे देख पाएंगे। मैं आप लोगों को इसकी जो क्वांटिटी है वह वहाँ देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस सीरीज में हमने उत्तराखंड के अनेक साधनों के बारे में, व्यवसायों के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में जाना। इस प्लेलिस्ट का नाम उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास है। उन सभी से जुड़ी हुई जानकारी मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद हम जानने वाले हैं दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में पहले मीटर, फुट, किलोग्राम इन सभी मापतोलों का प्रयोग नहीं किया जाता था। दोस्तों मैदानी क्षेत्र में इन सभी मापतोलों का प्रयोग अभी होने लग गया है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, गांवों में अभी भी इन मापतोलों का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ वही चलता है जो प्राचीन समय से हमारी मापतोल की पद्धति चलती आई है। दोस्तों उत्तराखंड के गांव के क्षेत्रों में आज भी जब अनाज को मापा जाता है, तोला जाता है, तो उसे मुट्ठी, सेर, पाथ, मण इन सभी मापतोलों से मापा जाता है। और साथ ही दोस्तों तरल पदार्थों के लिए तामी, सेर, कूड़ी इन सभी मापतोलों का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही दोस्तों जमीन नापने के लिए नाली का प्रयोग किया जाता है। एक नाली बराबर 16 मुट्ठी होती है, यानी 16 मुट्ठी अनाज जितनी ज़मीन में बोया जा सके उसे लगभग 200 स्क्वायर फीट लगभग वर्ग मीटर के बराबर होगा। इतनी इस तरह से इन मापतोलों का प्रयोग हमारे उत्तराखंड में किया जाता है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख मापतोलों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और अधिक जानकारी मैंने डिस्प्ले पे भी दी है और ब्लॉगर पेज पे भी मैं पोस्ट के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके वहाँ कौन से मापतोल प्रचलित हैं वह भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्राचीन जो कला है वह मूर्ति कला, अनेक प्रकार की कलाएं हमारे उत्तराखंड में प्राचीन समय से चलती आ रही हैं। उन सभी के बारे में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी जरूर जुड़ेंगे देवभूमि उत्तराखंड की इस कोशिश से। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।